अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सागो सलाड ड्रिंक। ये बहुत ही टेस्टी ड्रिंक है और बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही हेल्दी भी है, क्योंकि सारी हेल्दी चीज़ें हैं इसमें। तो आप लोग भी ज़रूर इसी रमज़ान बना के ट्राई करिएगा। और वीडियो शुरू होने से पहले, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक पैन ले ली हूँ। पैन के अंदर मैंने 1 कप पानी ले ली हूँ, 1 कप। तो यहाँ पर जैसी बॉयल देखिए आने लगा है, उसके अंदर मैं डाल दूँगी जेली का पैकेट जो मैंगो फ्लेवर का है। तो जो जेली का पैकेट होता है उसके ऊपर इंस्ट्रक्शन सब रहते हैं कैसे बनाएं। तो ये बहुत ही इजी है बनाना। बस हमें इसे थोड़ा सा बॉईल आने तक इसे थोड़ा सा चलाते रहना है, और जैसी बॉईल आएगा वैसे ही हमें गैस का फ्लेम बंद कर देना है और एक ट्रे में या कोई भी ऐसी गहरी चीज़ में डाल देना है जिसमें उसके पीसेस जब हम सेट करें तो उसके पीसेस आ जाए। तो देखिए यहाँ पे बॉईल आने लग गया है, क्योंकि 2 से 4 मिनट हो गए थे बॉईल आना शुरू हो गया। तो बस हमें इसे इधर ही स्टॉप कर देना है, गैस को बंद कर देना है थोड़ा सा हिला के इसे इस तरह से। तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा होने के बाद हम एक ट्रे ले लेंगे। ये मैंने ग्लास की ट्रे ली हूँ, उसके अंदर हम पूरा जेली का जो मिक्सचर है उसको ऐड कर देंगे और उसे ठंडा होने देंगे थोड़े टाइम के लिए। फिर बाद में हम फ्रिज में रख देंगे ताकि वो अच्छी तरह से सेट हो जाए। तो जब तक ये सेट होगी तो तब तक हम दूसरे तरफ चलते। तो उसमें और दूसरी कौन सी चीज़ लगेगी हम उसको देख लेते। तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले ली हूँ, पैन के अंदर मैंने 1.5 कप पानी ले ली हूँ और उसे अच्छे तरह से गर्म कर लेंगे। और अब हम 1/2 कप साबूदाना डालेंगे, क्योंकि साबूदाना सैलेड रेसिपी है तो साबूदाना इसके अंदर जाएगा। तो इसे बॉईल करने तक, अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे भिगो के भी रख सकते हैं और उसके बाद आप बॉईल करेंगे तो वो जल्दी बॉईल हो जाएगा। तो यहाँ पर बॉईल कर लेना है हमें। देखिए इसे ट्रांसपेरेंट होने तक हमें इसे पकाना है, जो अच्छे तरह से ये ट्रांसपेरेंट हो जाए ताकि गल जाए अच्छे तरह से। तो यहाँ पर देखिए बबल्स आ रहे हैं, तो ये गल चुका था। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेनर में डाल दी हूँ, और इसे स्ट्रेनर में डालने के बाद इसे ठंडे पानी से हमें धो लेना है। और यहाँ पर एक पैन में मैं 600 ml दूध ले लूँगी। दूध देखिए बॉईल आना लग गया है, मैंने पहले ही दूध गर्म करने के लिए रखी थी। तो यहाँ पर आप साइड में दूध पहले ही गर्म करने के लिए रख दिए जिए। और इसके अंदर हम डालेंगे 4 से 5 चम्मच। तो यहाँ पर दूध को थोड़ा सा गाढ़ा करने के लिए मिल्क पाउडर ऐड करेंगे, जो 4 to 5 टीस्पून मैंने ऐड करी हूँ। और साथ ही में हम 1/2 कटोरी शक्कर ऐड करेंगे। तो बाद में आप टेस्ट करके अगर कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और इसके अंदर थोड़ा सा चला लेंगे, फिर इसके अंदर ऐड हो जाएगा मिल्क पाउडर जो थोड़ा सा दूध को गाढ़ा कर देगा और साथ में दूध का टेस्ट भी और बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर बॉईल आ चुका है, अब हम ऐड कर देंगे दूध पाउडर जो हमने पहले से ही निकाल के रख लिए थे। और इसे अच्छे तरह से चलाते रहेंगे ताकि वो नीचे लग के दूध हमारा जले नहीं, और फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है। बस 2 से 3 मिनट लगेगा, बस इसे थोड़ा सा चलाना है और फ्लेम बंद नहीं करना है जब तक ये दूध अच्छे तरह से, दूध का पाउडर जो है उस अच्छे तरह से दूध में मिल ना जाए। तो यहाँ पर मैं चलाते रहूँगी 2 से 3 मिनट तक, और इसे जब हल्का हल्का सा बॉयल आने लग जाएगा तब हम इसे बंद कर देंगे। और साथ ही में मैं इसमें ऐड कर दूँगी 2 इलायची, जो ताकि खुशबू भी आए और इलायची का फ्लेवर भी आ जाए इसके अंदर। तो बस हमें चलाते रहना है और फिर थोड़ा 2 से 3 मिनट के बाद हमें गैस का फ्लेम बंद करना है। देखिए बॉईल भी आने लग गया है, बस अब हम इसे गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। बाउल ले लेंगे और हमने जो जेली बना के रखी थी वो भी निकाल लेंगे, और जो बाउल के अंदर हम जो दूध हमने बनाए हैं वो उसके अंदर ऐड कर देंगे पूरा दूध। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सब्ज़ा, जो कि सब्ज़ा बहुत ही अच्छी चीज़ है पेट के लिए, पेट में ठंडक भी पैदा करता है और बहुत अच्छा है। तो यहाँ पर मैंने 2 से 2 1/2 टीस्पून मैंने सब्ज़ा पहले ही पानी में भिगो के रख दी थी आधा 1 घंटा पहले। और इसके अंदर अब हम ऐड कर देंगे साबूदाना जो हमने बॉईल करके रखे थे। तो मैं साबूदाना पूरा नहीं ऐड करूँगी, हाफ ऐड करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चे पसंद नहीं करते इसलिए। तो उसे ऐड करके हम इसे भी अच्छे तरह से मिला लेंगे ताकि दूध में अच्छे तरह से साबूदाना मिल जाए और वो स्टिकी होता है तो वो एक साइड में जमा ना हो जाए। तो यहाँ पर अब हम जेली को अपनी कट कर लेंगे। तो जेली अभी हमारी थोड़ी सी जमी नहीं थी और इफ्तारी का भी टाइम हो रहा था तो मुझे जल्दी ही बनाना था, तो इसीलिए मैंने फिर उसे निकाल ली थी। तो यहाँ पर मैंने एक
जो बनाना ली हूँ मैंने उसे चॉप करके रख ली हूँ, तो यहाँ पे आप आपके आपकी जो पसंद का फ्रूट है वो आप ऐड कर सकते हैं। तो बनाना अक्सर ज़्यादा अच्छा लगता है बनाना, और मैंने एप्पल ही डाली और कोई फ्रूट नहीं डाली हूँ। तो यहाँ पर एप्पल को मैंने उसका छिलका उतार के उसे कट कर ली थी बारीक बारीक साइज पीसेस में, तो यहाँ पर इसीलिए उसका कलर थोड़ा सा वैसा हो गया। तो इसके अंदर पूरा ऐड कर देंगे हम। फिर इसके अंदर ऐड करने के बाद इसके अंदर कुछ ड्राई फ्रूट्स भी जाएंगे, तो मैं ड्राई फ्रूट में बादाम और काजू मैंने चॉप करके रख ली थी, तो वो मैं ऐड कर दूंगी इसके अंदर। आपको चाहिए तो आप जो भी ड्राई फ्रूट्स ऐड करना चाहते हैं आप ऐड कर सकते हैं। और अच्छा, मैं आप तो यहाँ पर जेली में मतलब पीसेस तो नहीं हो पाए, जो भी हुआ था वो मैं उसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर हमारा सागो सैलेड डेजर्ट बन के तैयार है, तो रिफ़्रेशिंग सा, हेल्दी भी और न्यूट्रिएंट से भरा। तो आप लोग भी ज़रूर बना के ट्राई करिएगा इसी रमज़ान। तो आप लोग बनाओगे एक बार, आपके घर वालों को भी बहुत ही पसंद आएगा। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए बगैर ना जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।